महाराष्ट्र के नंदुरबार में दो गुटों में हुई हिंसक झड़प के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। एहतियातन इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। रिपोर्ट आप देखिए 60 सेकंड के अंदर। जानकारी के मुताबिक शाहदा शहर के कुकडेल इलाके में लोग जुलूस निकाल रहे थे, इसी दौरान उपद्रव हो गया। बताया जा रहा है कि जुलूस के दौरान कुछ लोगों ने पत्थरबाजी की। तनाव के बाद कुछ और लोग इकट्ठा हो गए और दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई। गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। पत्थरबाजी की जानकारी मिलते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंची और मोर्चा संभाला। पुलिस ने सबसे पहले भीड़ को तितर बितर किया। भवानी चौक पर हुई हिंसक झड़प के बाद पूरे बाजार को बंद करा दिया गया। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना में कितने लोग घायल हुए हैं इसकी जानकारी अभी स्पष्ट नहीं है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें। सोशल मीडिया पर भी प्रशासन की पैनी नजर है। पुलिस इलाके में लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। पुलिस का कहना है कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन एहतियात के तौर पर पूरे इलाके में पुलिस बल की तैनाती की गई है।